हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू वीडियो पर। जैसा कि दोस्तों कुछ आज हम बताने वाले हैं यूपीवीसी फिटिंग्स के बारे में, कितना में आता है, क्या किस जगह पे ये यूज किया जाता है, कैसे इसका वर्क करता है, आज के वीडियो फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 0.5 इंची का यूपीवीसी एल्बो है जो 90 डिग्री में है। इसका प्राइस का बात करें तो 25 और 30 के बीच में आप इसको खरीद सकते हैं। कंपनी पर भी डिपेंड करता है कौन सा कंपनी का आप ले रहे हैं। ये एल्बो अधिकतर जहां पर पाइप को मोड़ने में काम आता है, जहां आप पाइप को एल में जिस तरह एल टाइप पर घुमा सकते हैं, जहां दीवार का जो कोना रहता है वहां पर ये काम आता है। तो चलिए दोस्तों इसका बात कर लिए, अब बात करते हैं ब्रास एल्बो की। देखिए ये इधर 0.5 इंची है और ये 0.5 इंची है। इधर हमारा चूड़ी बना हुआ है, थ्रेड बना हुआ है, इसलिए ये ब्रास एल्बो के नाम से जाना जाता है। ये करीब 70 और 80 के बीच में आप इसको खरीद सकते हैं। और ये इसमें हमारा कोई भी नल का पॉइंट देने में या गीजर का पॉइंट देने में यूज होता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ब्रास टी। तो देखिए दोस्तों ये हमारा ब्रास टी 0.5 का है। इधर हमारा 0.5 इंची का पाइप जाएगा और यहाँ भी 0.5 इंची का पाइप जाएगा। जैसे कि कोई भी पाइप के बीचे बीच में अगर नल का पॉइंट देना चाहते हैं तो ये उस वक्त यूज होता है। इसका भी बात करें प्राइस का तो 70 और 80 के बीच में आप खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों ये 1 इंची का सादा टी है। इसमें आप 3 पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। आपको ये 0.5 इंची भी मिल जाएगा, 0.5 इंची भी मिल जाएगा, 1.25 इंची मिल जाएगा, 1.5 इंची मिल जाएगा, जैसा आप जिस साइज का लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। 1 इंची का इसका बात करें तो दोस्तों ये 35 रुपया के लमसम में आ जाता है, 35 और 40 के बीच में आपको आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये 1 इंची का इंडी कैप है। अब जिस जगह पे प्लम्बिंग का काम करते हैं, अगर एक्स्ट्रा पाइप कहीं निकला हुआ है उसको आप पेक करना चाहते हैं तो इसके द्वारा से आप उसको पेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्राइस का बात करें तो 25 रुपया के बीच में आपको आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों ये एक रेड्यूसर है। इसमें आप 1 इंची के पाइप को 0.5 इंची में कन्वर्ट करने के लिए इस फिटिंग को आप यूज कर सकते हैं। तो इधर हमारा 1 इंची का पाइप जाएगा और इधर आप 0.5 इंची का पाइप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका प्राइस का बात करें तो दोस्तों ये भी 35 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये अजब का टी है। आप इसको डबल टी भी बोल सकते हैं या फिर आप क्रॉस टी भी बोल सकते हैं इसको। इसमें आपका 4 पाइप कनेक्ट होगा और चारों 1 इंची का है। देखिए ये 1 इंची का इसमें कनेक्ट होगा। इसका आप 1.5 इंची भी खरीद सकते हैं, 2 इंची भी मिल जाएगा, 1.25 इंची भी मिल जाएगा, जैसा आपका यूज है उस तरह उस टाइप में आपका मिल जाएगा। इसका प्राइस का बात करें दोस्तों ये 45 रुपया और 50 रुपया के बीच में आपको ये मिल जाएगा, यानी कि 45-50 के बीच में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये एक इंची का बॉल बल्ब है। ये पीवीसी का बल्ब है, पीवीसी बल्ब बोल सकते हैं या बॉल बल्ब भी बोल सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं कि पानी को आप रोक सकते हैं। आप इस तरह से अगर घुमा देंगे तो पानी हमारा इधर से ना इधर जाएगा ना इधर से इधर आएगा, मतलब बाईपास नहीं होगा। और इस ऐसे आप सीधा कर देंगे तो ये हमारा पानी बाईपास हो जाएगा ना, किसी भी पानी को कहीं भी रोकने के लिए इसको लगाया जाता है। तो इसका बात करें तो दोस्तों ये देखिए ये भी कंपनी पर डिपेंड करता है। आपको ये 300 रुपये भी मिल जाएगा, 150 रुपये भी मिल जाएगा, 250 रुपये भी मिल जाएगा। तो ये हमारा देखिए कंपनी का बात करें तो देखिए प्लास्टो कंपनी का है। तो ये आप प्लास्टो का 250-300 के बीच में आप इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों ये एक 1.5 इंची का बॉल बल्ब है और इसमें थ्रेड लगा हुआ है। इसमें हमारा थ्रेड नहीं था, ये डायरेक्ट सॉल्वेंट लगा के इसको पीवीसी को पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि चूड़ी वाला थ्रेड इसमें लगेगा। आप इसमें सॉल्वेंट लगा के नहीं, इसमें आप डायरेक्ट थ्रेड वाला जो पाइप रहेगा उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा 1.5 इंची का है और इसको आप 550 और 600 के बीच में आपको मिल जाएगा। ये इसको भी आप बोल भर भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों ये 1 इंची का सॉकेट है, आप इसको कपलर भी बोल सकते हैं। 2 पाइप को जोड़ने में ये काम आता है। तो इसका प्राइस का बात करें तो ये 35 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद देखिए दोस्तों ये एक FTA है, फीमेल थ्रेड अडप्टर, यानी कि ये भी सॉकेट के जैसा है देखिए। लेकिन इसमें क्या है कि एक तरफ चूड़ी बना हुआ है और एक तरफ पूरा प्लेन है, यानी कि इसमें क्या है कोई भी आप आपका थ्रेड वाला जगह में आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 इंची का अगर मेल थ्रेड है तो उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका टैंक निप्पल में भी कनेक्ट हो सकता है, उसमें भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारा जगह में यूज कर सकते हैं इसको। और इधर से आप पाइप चिपका के आगे ले सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों ये एक टैंक निप्पल है, ये 1 इंची का है। ये हमारा टैंक में
फिटिंग होता है। ये क्या है देखिए, इस तरह से ये खुल जाता है, इस तरह से खुल जाता है। इसमें दो वाशर रहता है, एक देखिए एक बाहर से लगा सकते हैं और एक अंदर से। ये हमारा टैंक में होल जब होगा तो उसमें घुसा के इसके द्वारा से इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं। ये हमारा इधर से फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद ये जो आउट होगा, इधर ये टैंक के अंदर रहेगा, ये हमारा आउट में रहेगा। इसमें क्या है कि हमारा ये हमारा FTA जो है 1 इंची का, इसमें काम आता है। इस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद यहां से पाइप अप जोड़ के बाहर आगे ले जा सकते हैं। तो इसका प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये आपको 150 रुपया के लगभग में आप खरीद सकते हैं, और ये वाला जो है 55 रुपया के आसपास में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये एक यूनियन है, ये भी एक दो पाइप को जोड़ने में ये काम आता है। इसमें क्या है कि पाइप अगर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों तरफ से इधर से भी पाइप जोड़ा जाएगा, इधर भी जोड़ा जाएगा, उसके बाद पाइप को अगर दो भाग में करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो ये खुल जाएगा। ये हमारा अधिकतर टैंक में लगता है, जहां टैंक का कनेक्शन होता है वाटर टैंक, वहां आउटलेट के पास लगता है, इनलेट में लगता है, मशीनों में लगता है, जेट पंप हो गया, समरसेबल हो गया, ये सब जगह में लगता है। मतलब जहां भी, जहां पर हमारा भविष्य में जो पाइप खोलने का अगर ऐसा जरूरत पड़े, उस जगह में इसको यूज करते हैं। तो इसका प्राइस का बात करें तो दोस्तों, ये भी आपको 150 के लमसम में आपको मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों कुछ फिटिंग्स के बारे में हम बता दिए, तो आज के फिटिंग में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले फिटिंग्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।